सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल स्वागत है और हमारे सभी श्रोताओं का भी स्वागत है इस पटल पर, इस मंच पर, सखी सहेली में। हम सब जुड़ चुके हैं और फिर सब लोग कहेंगे कि भाई तीन बजाए तो जुड़ ही चुके हैं। बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है जी। बुआ, लेकिन एक बार मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत। काफी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और देखिए, सखी सहेली के मंच पर हम क्या क्या विषय लेकर आए हैं ये बता देते हैं। तो आज हम बात करेंगे घरेलू फेस पैक के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे चया पचय कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, ये मेटाबॉलिज्म की बात है, यानी पाचन शक्ति की बात है, इसके बारे में बात करेंगे। और कोई दुख ना हो तो भाई बकरी खरीद लो, हमारा तो यही सुझाव है, बकरी खरीद लेना सबसे बढ़िया। हम आपका इशारा समझ गए। आज कथा सुधा का दिन है और इसमें हम कहानी सुनाएंगे, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, इसका भाग दो जी हम सुनेंगे आज। और बुआ, जो रिश्ता होता है पति पत्नी का, कौन सा रिश्ता? वो रिश्ता होता है? वो बड़ा प्यारा सा रिश्ता पति पत्नी का। क्या बात तो है। इसके बारे में भी देखिए, संदेश में भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं उन्होंने, और हम भी कुछ ना कुछ अपनी बातें बताएंगे, बातें करेंगे। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि हम लोग बातें करेंगे जी। और देखिए, एक लिखते हैं कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे दो आत्माओं का मिलन कहा गया है। जहां दो आत्माएं मिलकर एक हो जाती हैं, वहां दो रहते ही नहीं, जहां तू और मैं होता ही नहीं, जहां सिर्फ हम रहता है। पति पत्नी के रिश्ते की नींव एक दूसरे पर विश्वास करने से टिकी रहती है। जीवन की खुशियों के लिए पति पत्नी के रिश्तों का प्यार विश्वास और समझदारी के धागों से मजबूत बनता है। वैवाहिक जीवन कहने के लिए तो बड़ा आकर्षक और संपूर्णता से परिपूर्ण जीवन होता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, वो रिश्ता तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें एक दूसरे के लिए सम्मान और इज्जत ना हो। दूसरे शब्दों में कहें तो प्यार की नींव ही सम्मान पर रखी जाती है। बिल्कुल सही बात है, यही सब कुछ चीजें हैं जिनसे कि ये रिश्ता बहुत मजबूत होता है और शाश्वत रहता है। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी होता है एक दूसरे से प्यार करना। आप अपने पार्टनर के बाहरी रंग रूप को ध्यान न देते हुए उसके आंतरिक सुंदरता से प्रेम करें। जब आप अपने पार्टनर को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेंगे, तभी आपका रिश्ता एक आदर्श रिश्ता बनेगा। पति पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे की इच्छाओं की हमेशा कद्र करें। तो भाई ये तो बात है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पति पत्नी जो है वो मतलब, वैसे शायद हमारे श्रोता नाराज हो जाएंगे, लेकिन कहा यही जाता है कि ये लोग शाश्वत योद्धा होते हैं और एक छत के नीचे रहते हैं और बकायदा युद्ध करते रहते हैं। अब जिंदगी की गाड़ी तो तभी देखिए चलती है कि लड़ाई की जाए थोड़ी बहुत। देखिए, प्यार तो हमेशा रहता नहीं है। हाँ। सारी जब घर की जिम्मेदारियां निभानी होती है ना, हाँ, तो पत्नी के बीच में थोड़ी तकरार तो हो ही जाती है, प्यार कहीं गायब हो जाता है। प्यार उस समय तो गायब हो जाता है और जो लिस्ट थमा दी जाती है दैनिक चीजों की, कि भाई ये लाना है, वो लाना है, फिर और इसके लिए करना, उसके लिए करना, तो नेचुरल सी बात है कि बुआ पति जो है फिर झुंझला जाते हैं कि पत्नी ने एकदम से लिस्ट बता दी। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई थोड़ा कम कम करके, धीरे धीरे करके। अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा दें, ऐसा थोड़ा सा मतलब दें उनको ये लिस्टों का जो भोजन जिसे कहते। देखो, ऐसा नहीं होता है। कुछ हमारे जो साथी होते हैं या मतलब पति जो व्यक्ति होते हैं, पति नाम के जीव होते हैं, कुछ के देखो सबकी अपने अपने, आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो जीवन साथी है, जीवन संगीनी है या साथी है, पति या पत्नी, दोनों एक दूसरे को देखना पड़ेगा कि उन्हें क्या रुचता है, क्या अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं भाई एक बार में सारे काम बता दो, लेकिन ये उम्मीद मत करो कि हम सारे एक साथ करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। और कुछ ऐसे हैं कि अरे तो सुबह बताया था ना चाय की पत्ती और शक्कर लाने के लिए, तो शाम को तो याद दिलाना चाहिए था। तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि भाई आप पूरा मतलब जैसे साल भर पढ़ा दीजिए, लेकिन परीक्षा के समय फिर से रिवाइज करवाना पड़ेगा, तो जाते समय फिर याद दिलाना पड़ेगा, या वो अपने हिसाब से करेंगे। तो ये निर्भर करता है कि आपके जीवन साथी में क्या मतलब उनकी क्या इच्छा है, उनका क्या तरीका है, या हर इंसान का जैसे अपने काम करने का तरीका होता है उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है ना जी। और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार याद भी दिलाते हैं तो याद भी नहीं रहता है। नहीं, ये यही बात है ना, यही तो हम कह रहे हैं कि ये अगर उन्हें नहीं याद रहता है तो फिर आप देखिए कि वो जा रहे हैं तो उन्हें फिर से चेताइए कि देखो ये लाना है, या लिख के लिस्ट थमा दीजिए। और आजकल तो व्हाट्सअप कर दीजिए पीछे से। हाँ, वो भी सही तरीका है ना बुआ। नहीं तो हम तो फोन ही नहीं उठाएंगे ना बाहर जाके। बड़ा व्हाट्सअप भी नहीं देखा तो। नहीं तो यही बात तो स्त्री के ऊपर भी तो लागू होती है। हाँ, ना भाई बहने भी हैं, बाहर जाती हैं, कभी कभी उनके श्रीमान जी घर पर होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, दो चार चीजें लिख देते हैं कि भाई आते समय समोसा ले आना, वहां से टिक्की ले आना, नहीं देखती है फिर वही समस्या। तो रिश्ते में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। नहीं, ये तो देखो ये जो रोजमर्रा वाली जो छोटी छोटी चीजें है ना, इनसे रिश्तों में खटास तो नहीं आना चाहिए। ये तो छोटे छोटे से फुलझड़ियां हैं, फुहार है, और इनका अपना मजा है। लेकिन हाँ, ये है कि जो मजबूत रिश्ते की बात हो रही है उसके लिए विश्वास
एक दूसरे के ऊपर रखना जरूरी है जी, है ना। और एक लिखते हैं बुआ संदेश में कि रिश्ता पति पत्नी का दाम्पत्य कहलाता है, और दाम कहते हैं रस्सी को जो पति को आपस में बांधे रहे। ये दाम रूपी रस्सी यहाँ दिखाई देने वाले बांध की नहीं बल्कि आपसी स्नेह की होती है, जिसके वशीभूत होकर ही भगवान भी माँ यशोदा के दृश्यमान रस्सी से ना बंधते हुए भी प्रेम और ममता के स्नेहमय दाम से बंध जाते हैं। पति पत्नी का दायित्व ऐसे ही स्नेहमय दाम से जीवन भर बंधे रहने में ही है। क्या बात है, तो ये गठबंधन वाली बात है, जोड़ वाली बात है। हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि इस विषय को आपने प्रथम क्रम दिया है, दाम्पत्य जीवन में भी इस विषय का बड़ा महत्व है। पति पत्नी जो जीवन रथ के दो पहिए हैं, जैसे रथ या कोई अन्य दो पहिया वाहन एक पहिए से नहीं चल सकता, वही बात इस जीवन रथ के लिए भी लागू पड़ती है। इस रिश्ते में विश्वास प्रथम जरूरी है। जैसे बिना पेट्रोल दो पहिया वाहन नहीं चल सकता, वैसे विश्वास रूपी ईंधन के बिना जीवन रथ नहीं चल सकता। एक बात और भी है, सहयोग, एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाना आवश्यक है। अगर पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर एक दूसरे के बीच कुछ विचार भेद हो तो उस पर मिल बैठकर बीच का रास्ता या समाधान निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और बुआ, आपस के रिश्तों में आदर, सम्मान है, प्रेम है जी, और समर्पण की भावना होना, और साथ साथ ईमानदारी भी होना बहुत जरूरी है। और साथ में आप अपना अच्छा चरित्र बनाकर रखें, संभाल कर रखें। चरित्र बनाकर रखें मतलब, तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन मतलब बनाना पड़ेगा, है ना कि आप जी कहने का मतलब ये है बुआ कि मतलब हर चीज में पारदर्शिता होनी चाहिए, आपके विचारों में, आपकी बातों में, आपके व्यवहार में। यानी कि एक दूसरे का विश्वास जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए वही जैसे तुमने कहा कि पारदर्शिता तभी जब रहेगी तो अपने आप भरोसा बना रहेगा। मालूम है कि एक विश्वास होता है कि भाई पति बड़े हक से कहे कि हमारी पत्नी हमसे कुछ नहीं छुपाती, और ऐसे ही पत्नी भी कह सकती है कि हमारे पति हमसे सारी बात बता देते हैं। तो इस तरह से मजा ही अलग होता है ना। बिल्कुल, और मजा ले लेते हैं गीत का ना। हाँ, आई बाहर मेरे, आई बाहर मेरे।
देखिए अंगना में कैसे फूलों की डाली तरह से बिल्कुल सही बात है, घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं कहाँ ऐसा गाँव होता, तकरार भी होती है, हमारे साथी लिख रहे हैं कि पति पत्नी के बीच तकरार रोज ही होती रहती है, लेकिन प्यार भी तो वही करते हैं जो तकरार करते हैं, तो बर्तन भी होते हैं तो आपस में बाजे बिना नहीं रहते, तो दो इंसान बिना बोले बिना झगड़े कैसे रह सकते हैं, प्यार अपनी जगह है और लड़ाई अपनी जगह है, अपनी जगह है, तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि लड़ाई जो होती है उसमें किस तरह से समझौता कर लिया जाए, कैसे एक रास्ता निकाल लिया जाए और एक सहमति बना ली जाए, है ना? बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि जो भी तकरार हुई है तो जब एक जन शांत हो तब अपने मन की बात उनको बताए कि किस वजह से हमारी तकरार और हो रही दोनों थी, ना शांत हुए तो थोड़ा वक्त दें और भी चाहिए वक्त, और चाहिए वक्त, और नहीं, दोनों इंतजार कर रहे हैं कि वो आए मनाने और फिर तो वो आए एक मनाने बार और बुआ युद्ध हो जाएगा ना। जाएगा। हाँ, तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि प्रतीक्षारत रहते हैं दोनों की, भाई गलती उनकी है, वो आए शुरू करें। हाँ, फिर ये वाली चीज हो जाती है, तो जी इसमें तो भाई एक बार बोलना ही पड़ेगा, फिर देखा जाएगा जो तो भी यही होगा। यही यही कौन शुरू करे बताओ, तो पत्नी ज्यादा शुरू करती है, क्यों करेगी पत्नी शुरू, लेकिन यही पति नहीं शुरू करते हैं ना, चक्कर ये है। बस पर हमारी मेरा तो बहनें। विचार है बुआ कि उनकी पसंद को बढ़िया सा चीज बना के सामने रखते बस जाओ, मतलब तो खा पत्नी लेंगे किचन में चली जाए, रसोई घर में चली बना जाए, के रख दे, क्या करे, क्या वो तो करे रुके, मतलब। मतलब तकरार तो होगी नहीं ना, मतलब कुछ ना कुछ मुद्दे छिड़ेंगे तो फिर बात होगी, बहस ओहो भाई, होगी। मंजरी बिटिया का तो यही कहना है कि मतलब मतलब कुछ अच्छी चीज बना के रख दो बहनों के सामने लिए है कि अपना ये कमर कसें और रसोई घर में जाएं और कुछ मनाना तो करें पड़ेगा ही ना सामने वाले, वो एक बार 10 बार मनाएंगे लेकिन जब हम रूठेंगे तो उनको भी मनाना पड़ेगा ना, ये नहीं चीज देखो, होता हाँ है ये वाली बात है जी। कि इसके लिए कहीं ना कहीं दोनों लोगों को मिलकर ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि झगड़ा हो तब हम कुछ तय करेंगे, बल्कि पहले ये तय कर लें कि अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना होगा, है ना? तो एक बात तो तय करनी पड़ेगी, हो सकता है कि दोनों का कहीं ना कहीं अहम टकरा रहा हो, क्योंकि आर्थिक रूप से दोनों आत्मनिर्भर हैं अगर, तब जाहिर है कि ऐसे में हमारी बहनें भी कहेंगी कि हम क्यों झुके या हम क्यों जाएं पहले, या हम रसोई घर में क्यों जाएं, क्यों ये नहीं जा सकते क्या रसोई घर ये में, चीज हो है जाती ना? है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, ये व्यावहारिक बात है, जी। इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, बस मुझे लगता है झुकने की चीज नहीं लाना चाहिए, जो एक अहंकार या स्वाभिमान है तो उसको, मतलब नहीं, झुकने शब्द ही हटा दो इस रिश्ते हाँ, में, क्यों अहंकार हटा दो ना पहले अहंकार भी। हाँ अहंकार, बुआ सही बात है आपने कहा, अहंकार पहले हटा दो। तो इसके लिए दोनों बराबर से समझें कि कैसे झुक सकते हैं, और बल्कि ये कहना चाहिए कि चाहे वो बहन हो हमारे या भाई हो, स्त्री पुरुष जो भी है, पति पत्नी, वो दोनों ये निर्धारित कर लें कि हम खुद कैसे शांत होंगे, हम किसी का इंतजार ही नहीं करेंगे, वो बता दें कि ठीक है हमें 15 मिनट दे दिया करो, हम उतने में अपने आप शांत हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही हमारी बहनें भी कर सकती हैं, हो सकता है आपको 25 मिनट लगे, हो सकता है आप आधा दिन लें, लेकिन आप खुद निर्धारित कर लें कि आप कैसे खुद हाँ ब खुद मान जाएंगे, है ना? ये तरीका तो बहुत ही सही बहुत है, अच्छा रहेगा, बहुत तो अच्छा। ये जरूरी है, और कहीं ना कहीं तो होता ही है कि शुरुआत जो करता है तो वो मान ले कि जो किसी वजह से अगर हम बाहर से आए या हमारे भाई बाहर से आए, तो अगर आपको लगता है कि आपके पति बाहर से आए कुछ नाराज होके परेशान होके, तो उस समय आप शांत रह जाएं, और अगर वो अगर आप कभी नाराज हैं तो आपके पति शांत रह जाएं, तो ये हम लोगों इसमें तय कर सकते हैं। और इसमें सुधा बिल्कुल मूर्ति जी की बात बहुत अच्छी याद आती है कि वो एक और शून्य वाला मामला अच्छा है कि एक अगर एक्टिव है तो दूसरा शून्य हो जाए, है ना? और अगर दूसरा एक हो रहा है तो पहला शून्य हो जाए, तो हाँ क्या जहाँ दोनों एक एक रहेंगे तो जी, वहाँ गलत हो जाएगा, तो उनका ये फॉर्मूला जो है 1-0 और 0-1 वाला अच्छा बहुत है अच्छा, ना? आपने बहुत अच्छी याद दिलाई इस हाँ, चीज याद की। दिलाई, हमारे साथियों ने हाँ कार्यक्रम में सुना भी जरूर होगा, जी, लेकिन आज फिर लेकिन से इसको आपने याद दोहराने की दिलाई बात आ गई। जी, हाँ बिल्कुल। अब बुआ एक लिखते हैं संदेश में जी कि रिश्ता पति पत्नी का दोनों के परिवार अलग, माँ बाप अलग, दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं लेकिन बंधन में बन जाते हैं, जी तो सुख दुख में एक दूसरे के परस्पर पूरक होते हैं, झगड़ते भी हैं, छोड़ने की धमकी भी देते हैं लेकिन छोड़ते नहीं, फिर जैसा अचार पुराना होने पर स्वादिष्ट होता है उसी तरह पति पत्नी का रिश्ता पुराने होने पर स्वादिष्ट होता जाता है, फिर संसार बढ़ता है, सभी जिम्मेदारी पूरी करते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे के बगैर खालीपन महसूस करते हैं, भरोसा और समर्पण इस रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, सब कुछ एक दूसरे को सौंपने के बाद ये सोचते हैं कि ये नहीं रही या ये नहीं रहे तो कैसे जिएंगे, बढ़ती उम्र में ना तो अहंकार रहता है ना मन मुटाव, बस प्यार ही रह जाता है। और आगे ये लिखते हैं कि लेकिन साथी के बिछड़ने का दर्द असहनीय होता है, देखो, लिखते ऐसा है ना हैं मंजरी बेटिया, ये जी। तो इन्होंने बिल्कुल बहुत आदर्श स्थिति की हाँ बात की, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है और लोग अपने अहंकार में
मतलब कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तो ऐसा भी होता है। ये उम्र के साथ सबका कम हो ये ज़रूरी नहीं है, इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं। और ख़ुद ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं, एक बात और है कि कहीं ये भी हमने सुना था कि जब आप किसी से भी नाराज़ हों, चाहे बच्चे से या फिर पति पत्नी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो अगर आप नाराज़ हुए तो बस एक मिनट के लिए ये सोचिए कि अगर अभी इनको कुछ ऐसा हो जाए जी तो क्या हम करेंगे, क्या हम भाग के जाएंगे या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, है ना? अगर ये सोच लेंगे तो बुआ तो क्योंकि ऐसी स्थिति की एक बार आप एक मिनट के लिए कल्पना कर लें कि कुछ भी हो जाएगा, कभी इनकी बीमारी का सुन लें या कुछ दुर्घटना सुन लेंगे, तो क्या हम इनके लिए बैठे रहेंगे या हम पूरा घर द्वार बेचने की स्थिति में आ जाएंगे और भाग के चले जाएंगे और अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति के लिए आप, जिसको झुकना शब्द तुम कह रही हो, उसके लिए झुकने के लिए तैयार रहिए और ये समझ लीजिए कि क्या इसके बगैर हमारी जिंदगी चल सकती है। बिल्कुल नहीं, तो बस ये ऐसा सोच लेंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है बुआ। तो ऐसे ही वैसे हमारे साथी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुबह 9:30 बजे और रात को 9:30 बजे ही हमारी पत्नी बताती है कार्यक्रम के समय, फनकार और छाया गीत के समय। तो मुझे इस समय थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है क्योंकि बाकी कार्यक्रम मैं नौकरी के समय सुनता हूँ, लेकिन यहाँ पे छोटा सा झगड़ा हो जाता है। तो भाई ये तो प्यारा वाला झगड़ा है, मनोरंजन वाला झगड़ा है, कोई नहीं। जब छाया गीत के गाने बजे और वो ऐसा कहें और आपका झगड़ा करने का मूड हो जाए, नहीं वो तो काम बताती है ना, नहीं उनको तो काम याद रहता है। हाँ, तो भाई वो भी जरूरी है जी। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर रहे होंगे तभी सुन रहे हैं कार्यक्रम, अच्छी बात है। और एक लिखते हैं कि एक जन कहता है कि आज से तुम्हारा बिल, तुम्हारा पिन कोड नंबर मेरा हो गया, बस तुम मेरे लिए मुस्कुराना और मालपुआ बना देना। पर दूसरी जन कहती है काम का स्ट्रेस इतना है कि मुस्कुराऊं कैसे, मालपुआ बना नहीं सकती हूँ, उसमें तेल और चीनी ज्यादा रहता है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, होटल से मंगा कर खा लो। अब बताइए इसमें कौन सा पति पत्नी का एक दूसरे को समर्पित प्यार दिखता है? भाई ऐसा जो कहता है होटल से मंगवा कर खा लो, वो ये नहीं कह सकता कि इसमें तेल और चीनी ज्यादा रहता है, क्योंकि होटल वाले में तो बहुत ही ज्यादा रहता है, उसकी गुणवत्ता भी खराब रहती है। खैर, झलकता तो कहीं पर भी नहीं है पति पत्नी का, और कहीं कहीं बहुत झलकता है, लेकिन अंदर से कितनी अशांति है ये सब कोई नहीं जानता। तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि भले ही दूसरे को आप नजर में, चाहे आदर्श पति पत्नी हो ना हो, घर के अंदर अवश्य हो, खुश रहें, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे जीवन जी सके। माता पिता से रिश्ता एक टाइम बाद छूट जाता है, हमारे साथी लिख रहे हैं, भाई बहन का रिश्ता छूटता है और पति पत्नी का रिश्ता तो मरते दम तक रहता है, दोनों सुख दुख के साथ ही। एक दूसरे पर विश्वास करना, कभी भी विश्वासघात नहीं होना चाहिए, स्वभाव अलग भी रहता है पर एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहें, तभी गाड़ी चलती है। और एक लिखते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, विश्वास, सम्मान व रोमांस के साथ दोस्ती की तरह अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। दोस्ती का रिश्ता बेहद खास होता है, पति पत्नी के बीच अगर दोस्ती का रिश्ता होता है तो दोनों को एक दूसरे को और अच्छे से जान पाएंगे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और इससे रिश्ते भी मजबूती भी आती है। अगर पति पत्नी के बीच दोस्ती का रिश्ता होता है तो उनका जीवन और भी ज्यादा खुशहाल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और है कि जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं ना कि अक्सर हम बच्चों को माफ कर देते हैं, अपने और रिश्तेदारों को माफ कर देते हैं उन्हीं गलतियों पर, उसी तरह की गलतियों पर, तो आप खुद आप मूल्यांकन करें कि अगर मेरे बेटे ने या बेटी ने या माँ ने या बहन ने ये किया होता तो मैं कैसे प्रतिक्रिया करती या मैं कैसा रिएक्ट करता, कैसे प्रतिक्रिया देता, क्या मैं इतना नाराज होता या इतनी देर तक मैं बैठा रहता या बैठी रहती, तो क्यों मैं इसके संग ऐसा। क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत हक अपना समझते हैं, हम समझते हैं कि ये मेरा सबसे नजदीकी और अपना रिश्ता है, और शायद इसीलिए बहुत ज्यादा हक जताने की वजह से पूरे हम पजेसिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं झगड़ा करते हैं और फिर रूठ के बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो मेरी बात पूरी समझे, इनको तो समझना चाहिए, बाकी दुनिया समझे नहीं समझे, और कभी कभी नहीं समझते तो फिर वही हो जाता है। बस भाई सबका अपना अपना दिमाग है, सबका लेवल है, तो इसलिए ये मान लें कि ये भी इस समय उन्हीं की तरह है, बच्चे की तरह है या हमारे भाई की तरह है, बंधु की तरह है, जो भी जिसकी बात आप जल्दी मान जाते हैं, जिसको जल्दी से मना लेते हैं, वो उस समय समझ कर कर लें तो शायद अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और एक गीत की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। जब देख लिया
तो चुप लेंगे कहाँ, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, जब देख लिया तो छुपेंगे कहाँ, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, उन्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। सबने भाई अपनी अपनी बातें कही हैं, और कोई ये कह रहा है कि मेरी पत्नी तो जब भी झगड़ा करती है सीधे यही धमकी मिलती है कि आपको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन शाम तक खुद ही मान ही जाती है। तो चलिए अच्छी बात है ये, तो मतलब आपकी आदत पड़ गई होगी। तो जान गए कि अभी कहेगी फिर नहीं जाएगी जी, तो उनको भी अच्छा लगता होगा, ये भी कुछ मीठी सी तकरार जो पड़ जाता है, है? कह रही जाने को और जा ही नहीं रही, कई बार ऐसी भी चीजें मजे लेने के लिए जी, ऐसे भी रिश्तों में बात। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि, और ये बात बहुत सालों से हम सुन रहे हैं, वो किसी भी रिश्ते के लिए है, अकड़ जो है इसमें एक भी मात्रा नहीं है, लेकिन सब में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये रहती ही है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसको अगर हम शून्य कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, फिर भी संभालना पड़ता है जी हाँ। और बड़ा जो प्यारा और नाजुक सा रिश्ता है जी, तो इसकी डोर को मजबूती से पकड़ के रखना है दोनों को,
और हम चलते हैं बुआ चया पचय कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में बात करते हैं। चया पचय जिसे हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं कहते हैं, और ये शरीर में होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है जो कि हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देती है और जो जीवित रहने में भी मदद करती है। जो हमें जो हम भोजन खाते हैं उसके पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने का काम मेटाबॉलिज्म ही करता है, यानी पाचन जो करता है वही है। इसमें अपचय जो आता है वो इसलिए है कि उसके विघटन होता है ना, जैसे कि अगर जो संरचना है हमारी उसमें एंजाइम्स जो है उत्प्रेरक का काम करते हैं और कहीं ना कहीं से ये पूरा जो मेटाबॉलिज्म काम करता है, पाचन प्रक्रिया जो पूरी है उस होती है उसे हम चयापचय कहते हैं। तो चयापचय जो है इसमें ध्यान इसलिए रखना जरूरी है कि जो भी हम खाते हैं, भाई जो भी हम जैसे सामान खरीदने गए और हमने 100 रुपए की कोई चीज ली और हमें पता अगर चलता कि इसमें से हमें सिर्फ 50 रुपए का ही सामान मिला, बाकी सब फालतू की चीज है, तो कितना खराब लगेगा। तो ऐसे ही शरीर में जब हम कोई भी चीज लेते हैं तो जाहिर है इसलिए खाते हैं कि पूरा शरीर में वो लगे, जो भी उसमें पोषक तत्व हैं वो पूरा शरीर ग्रहण करे और हाँ ताकत मिले। जाहिर है ग्रहण करेगा तो उसे ताकत मिलेगी, अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें मिलती हैं, किसी से मसल्स बनती हैं, किसी से ताकत मिलती है, किसी से ऊर्जा मिलती है, कोई हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, तो सब चीज जरूरी है। जैसे हम बाकी बात करते हैं पोषक तत्वों की, तो जो भी हम भोजन लेते हैं उसका 100% हमें मिले इसके लिए चयापचय जो है वो सही रहना बहुत जरूरी है, यानी मेटाबॉलिज्म हमारा दुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और जो शरीर में होने वाले जो सारे क्रियाकलाप होते हैं ये इसी पर ही चयापचय पर ही निर्भर करते हैं। शरीर का सांस लेना हुआ, चाहे भोजन को जैसे आपने बात करी पचाने की बात है, रक्त संचार है और शरीर को संचालित करना है। इसके साथ साथ बुआ क्षतिग्रस्त और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भी ऊर्जा ये प्रदान करती है और हमारी सेहत कहना चाहिए एक तरीका राजा है मेटाबॉलिज्म। और हम सभी को इसके बारे में समझना चाहिए कि इसको अगर हमारा कम हो रहा है तो इसको हमें कैसे बढ़ाना है। हाँ, यानी कि अगर वही हमने कहा ना कि अगर हम पाचन शक्ति ही हमारी कमजोर रहेगी तो हम पोषक तत्व कैसे प्राप्त करेंगे और जो भी चीजें हम ले रहे हैं उनका प्रयोग कैसे करेंगे या यूं कहें कि सदुपयोग कैसे मिलेगा, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इस अंतराल के बाद। लेकिन बता दें कि पानी ज्यादा पिए, कैलोरी की मात्रा जो है वो अपने आप धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी और चाय पचाय के बाद जो है वो हमें ऊर्जा मिलती है, कैलोरी मिलती है। तो कैलोरी बहुत सारे लोग बर्न करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, सबकी अलग अलग जरूरतें होती हैं। वैसे भी कहते हैं ना खाना खाने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि उस समय यह चाय पचाय की एक प्रक्रिया चल रही होती है और वो उसका जो है बढ़ जाता है। और कहते भी ना बुआ कि खाना खाने के बाद आपने गर्म खाना खाना खाया है तो उसके मतलब तुरंत पानी नहीं, जैसा भी खाना खाए अगर आप ठंडा भी खा रहे हैं तो चूंकि शरीर पाचन की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है तो सक्रिय होता है और एक तरीके से व्यायाम चल रहा होता है अंदर से, तो जाहिर है कि शरीर में गर्मी होती है उस समय आपको नहीं नहाना चाहिए या इसीलिए पानी भी नहीं पीना चाहिए। और हम बात कर रहे थे कि एक अंतराल की, तो अंतराल लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। जी स्वागत है कार्यक्रम में। बुआ जो हम लोग ये बात कर रहे थे ना, तो उसको चयापचय को मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए हमें वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए, दौड़ना है, व्यायाम करना है, योगा करना, इसके साथ साथ डांस आप कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं और जो और वेट वाली एक्सरसाइज हैं उनको करके भी हम अपने इसको नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि जाहिर है कि हम बढ़ाना ही चाहते हैं
और बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे कि हम मांसपेशियां जैसे बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जैसे अपना फिजिक बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उसमें भी इनकी जरूरत पड़ती है। ऐसे ही वजन घटाने के लिए भी आप में जो ये है चयापचय जो है वो सहायक होता है। तो दोनों ही तरह से लोगों को इसकी जरूरत होती है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। और हम बाकी जो पोषक तत्वों की बात करते हैं तो भीगे बादाम है, प्रोटीन युक्त पदार्थ हैं, हरी सब्जियां हैं, ये सारी चीजें लेते रहें। और पाचन के लिए जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग परंपरा भी रही है, अजवाइन खाना है, सौंफ खाना है, इन सब का भी सेवन अगर करते रहेंगे तो जाहिर है कि ये सक्रिय रहेगा, ये जो हमारी पूरी तंत्र है। बिल्कुल है ना? और अच्छी है, आप नींद लें और चाय कैफीन जो चीजें होती है कॉफी वगैरह, हाँ, इनसे थोड़ी सी दूर रहें, ज्यादा मत दूर से पी लें। नहीं दूर से कैसे पिएंगे, पीना तो पास ही पड़ेगा, लेकिन भाई दो कप ले लें, तीन ले लें, कम करें, कम करें। और जैसे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे साथी भी जानते हैं, हम बराबर इस पर चर्चा भी करते हैं कि रेशेदार चीजें तो शुरू से खाएं, लेकिन ज्यादा उम्र बढ़ जाए तो चूंकि हमारी ये जो मेटाबॉलिज्म है थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, तो उसमें रेशेदार जो चीजें हैं वो पाचन में सहायक होती हैं, तो उनका भरपूर सेवन करें। बिल्कुल बिल्कुल सर करें। और अंकुरित अनाज है और जो बहुत सारे मोटे अनाज होते हैं जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, वो चीजें शामिल करें अपने भोजन में। बिल्कुल। और देसी घी जरूर खाएं जो आंतों को चिकनाहट देता है, आपके सिस्टम को ठीक रखता है। बिल्कुल। और इस तरह से मतलब आप अपने आप को ध्यान दे सकते हैं, दे सकें और दे ही हम लोग बराबर बात भी करते हैं, जैसे सलाद खाएं, प्रतिदिन एक दो चीज तो ऐसी खाएं जो कच्ची खाएं, जो पकी ना हो, यानी कि उसका हमने प्रक्रिया ना की हो, उनको जरूर लें। योग आदि करें और जाहिर है बाकी जैसे तुमने कहा टहलना आदि करें। लेकिन एक बात और है कि इसके लिए हम जो इंतजार करते हैं कि 40 के हो जाएंगे उसके बाद ये सब करेंगे, तो आदत आपको शुरू से डालनी होगी। हाँ, उस समय आप ज्यादा आपको जिम्मेदारी से बहुत सजग होकर करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आप 50 के हो गए अचानक आप टहलने की और इन सब चीजों की आदत डाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आदत आपको शुरू से डालनी होगी, जैसे कि हमारे साथियों की आदत है कि कार्यक्रम के बीच में गीत सुनते हैं, तो भाई उनकी आदत है तो हम भी उसका सम्मान करते हैं।
मुश्किल में पड़ती क्यों हो, इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए मेरे दिल में कितना प्यार है, इतना प्यार मैं करती क्यों हो, इतना प्यार मैं करती क्यों, जो मैं जानती उनके लिए। तो बुआ अब कथा सुधा जी का बिल्कुल समय हो गया है, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, तो देखते हैं कैसे खरीदते हैं और फिर क्या होता है। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना, उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, देहात की बकरी है, यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए। लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहाँ, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला, आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता। और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला, चलिए मैं रख देता हूँ। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली, उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रें चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक ना था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया।
गिटकिरीदार मेमे का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था, न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती। और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेट कर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विला कुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था वो अलग। ये तरकीब और भी तकलीफ दे साबित हुई। अब क्या करूं, अक्ल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदी है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस
उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा, यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं, सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई। कौन कौन है, कौन है रे, रे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है, कौन है? मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए, जीना मुहाल किए देती है ये।
घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है। मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं। बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा क्या लोगे। हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं। मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया। मरकही है क्या बाबूजी। अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अभी तो दूध देती है। हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है। दूध आपके घर पहुँच जाया करेगा बाबूजी। तुम्हारी मेहरबानी। कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी। जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली, अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं। तबीयत नहीं भरी अभी तक। तुम तो बड़े निर्मोही हो। चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला, कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी। देवी जी ने कहा, और दोनों बच्चे क्या पियेंगे। और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रिकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गड़रिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो बुआ, कथा सुधा की कहानी सभी को बहुत पसंद आई होगी, ऐसा मानते हैं ना? नहीं, ऐसा लिखते भी है ना, लिखते भी अच्छी लगती है। कहानी देखिए सभी को सुनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, और ऐसी कहानी वाकई बहुत मजेदार कहानी थी ये, मुंशी प्रेमचंद की कहानी हमने सुनी। ये आखिरी भाग था ना इसका, अंतिम भाग था इसका। और देखिए अब समय भी हो चला कि हम भी यहाँ से विदा ले लें। लेकिन भाई हमारे साथी जो हम लोगों ने बातें की हैं उन सबका बराबर ख्याल रखेंगे और मौसम के हिसाब से रहेंगे, और जो मौसम कह रहा है उसकी कहना चाहिए पूरा सम्मान करेंगे, और हम भी समय का सम्मान करते हैं और लेते हैं विदा। सभी को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।